ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये काला भांगरा है और मैं भी पीत भांगरा दिखाऊंगा, यानी पीला भांगरा। तो इसमें जो आते हैं फूल, ये सफ़ेद भांगरा, सफ़ेद फूल वाला है जिसको हम काला भांगरा बोलते हैं। और पीला भांगरा मैं आपको ले चलता हूँ। मेरी छोटी सी बगिया जिसमें साग सब्जी वगैरह सब लगाता रहता हूँ, जड़ी बूटियाँ। ये देखिए, ये रहा पीत भांगरा। इसमें फूल जो होते हैं, देखिए पत्ते तो वैसे ही हैं, कुछ इसके लंबे होते हैं, लेकिन इसमें फूल फीले होते हैं, आपने ये देखा होगा। ये तो इसको हम पीत भांगरा बोलते हैं। और ये खूब सुंदर सा एक यहाँ पे खिला हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको उपयोग वही है जो भांगरे के हैं। और इसको तो कहीं कहीं वर्णन किया गया है कि जो काला भांगरा है उससे भी ज़्यादा पावरफुली होता है, बालों के लिए, तेल के लिए। कहाँ तक सत्य है, और ये आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल कैसे है, क्योंकि उसकी पत्तियों का रगड़ने से काला आता है। और इससे भी सेम उससे ज़्यादा इफेक्ट डालना है, क्योंकि बरसात का सीजन, इससे मैं रस पौधों से निकल जाता है, बह जाता है। ये देखिए, मैंने तुरंत रगड़ा और तुरंत ऐसा हो गया। ये देखिए, उसमें इतना नहीं रस निकल पा रहा था इस सीज़न में, और इसमें देखेंगे तुरंत काला हो गया। तो ये जो हमारा जो भांगरा है, जो बालों के लिए है, तो ये भांगरा रामबाण है। और इसको लगाना चाहिए हर घर में, हर गमले में होना चाहिए। कट फट जाए या यहाँ से जैसे उंगलियाँ सड़ जाती हैं पैरों के या हाथ की, तो इसमें हम यूज करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आप देखेंगे तुरंत ही इतना काला हो गया। अभी कोई ये ना सोचे कि पहले से करा है, मैं अभी आपको रगड़ के दिखा सकता हूँ। ये जैसे इसके हमने पत्ते तोड़ने हैं, और इसको ज़रा एक हाथ से मसलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, पुनः वैसे ही हो गया जबकि मैंने हाथ साफ कर लिया था। ये नाखून भी काला हो गया। तो ये है पीत भांगरा, जिसको मैंने दोनों भांगरे आपको दिखा दिया आज। मैंने सिर्फ इसका मकसद यहाँ पहचान कराना है, तो आप लोगों ने पहचान कर लिया होगा पीत भांगरा और जो अपना काला भांगरा है, दोनों का। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।